चिड़ियापुर नाम के गांव में रानी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके कंधों पर आ गिरा था। दूसरों के घरों में काम कर करके वह अपना व अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। काफी समय बीत जाने के बाद टूनी चिड़िया अब बड़ी हो गई थी। रानी चिड़िया को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता सताती रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया को उसको देखने लड़के वाले उसके घर आते हैं। लड़के का नाम मनु चिड़ा था। उसकी माँ नूरी चिड़िया कहती है, आपकी बेटी देखने में तो सुंदर है, पर सुंदरता ही काफी नहीं होती। हम लोग ठहरे अमीर पक्षी जहाँ पर आपकी बेटी राज करेगी, पर आपकी बेटी के खाने पानी खर्चे के लिए भी हमें भी तो पैसे की जरूरत है ना। हाँ जी बहन जी, आप सही कह रही हैं। बताइए आपको दहेज कितना चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं दहेज थोड़ी ना मांग रही हूँ, आप तो गलत ही ले गई। मैं कह रही हूँ कि आपकी बेटी खुश रहे, पैसों से खर्च हम आपकी बेटी पर ही तो करेंगे, हम क्यों रखेंगे पैसे भला। आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए तो आपकी बेटी के ही काम आएंगे। अरे माँ, आप दहेज क्यों मांग रही हैं? ये तो दहेज ही हुआ ना। अरे तू चुप कर, तुझे जब कुछ नहीं पता तो बोला मत कर। मैं दहेज नहीं मांग रही हूँ, मैं बस इनकी बेटी की खुशी के लिए कह रही हूँ। हाँ मनु बेटे, आपकी माँ सही कह रही है। ठीक है बहन, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये हुई ना बात, चलो तो हम चलते हैं। माँ आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा? कहाँ से पैसे आएंगे? हमारे तो खाने तक के लाले पड़े हैं। तू फिक्र मत कर मेरी बेटी, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगी, और यदि कुछ ना कर पाई तो ये घर बेच दूंगी, पर तेरी शादी बड़े घर में करूंगी, क्योंकि जो मुझे सहना पड़ा वो तुझे ना सहना पड़े। मैं तो लोगों के घरों में काम करती हूँ, पर तुझे ये सब ना झेलना पड़े, तू राज करे राज, बस यही मैं चाहती हूँ। टूनी चिड़िया को इस बात से मतलब नहीं था कि उसकी माँ कैसे कैसे इंतजाम करेगी, वह तो बस इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहती थी। वह बाहर आ जाती है। अच्छा है, मेरा यहाँ से जल्दी से छुटकारा हो, मैं बड़े घर में जाके राज करूंगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, आराम से जिंदगी जीऊंगी। इधर उसकी माँ को ये चिंता सता रही थी कि कैसे वह पैसों का इंतजाम करे। फिर वह जमींदार के घर जाती है। सेठ जी, मुझे अपना घर आपके पास गिरवी रखना है, मुझे 2 लाख की जरूरत है, मेरी बेटी की शादी है, उसकी शादी बड़े घर में हो रही है, तो मैं अपनी बेटी को बस खुश देखना चाहती हूँ। ठीक है रानी बहन, ये लो 2 लाख रुपए, पर सुनो मेरी बात, ये रुपए तुम 1 महीने में नहीं चुका पाई तो मैं तुमसे घर ले लूंगा, तुम्हें घर खाली करना होगा, फिर मत कहना। ठीक है सेठ जी। ऐसे दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। टूनी चिड़िया अपना जीवन बहुत ही सुख सुविधा और बड़े से घर में बिता रही थी। उसकी माँ अपनी बेटी के जाने के बाद बहुत रोती रहती है और उदास रहती है। एक दिन शादी के बाद पहली बार टूनी चिड़िया अपने घर आती है। खुशी के मारे उसकी माँ उसे गले लगाने वाली होती है। अरे माँ क्या कर रही हो, मेरी गहने खराब हो जाएंगे, बस मैं तो थोड़ी देर के लिए ही आई हूँ, मुझे जाना है अपने घर। टूनी का पति मनु कहता है, अरे तुम माता जी से कैसी बातें कर रही हो, अपनी माँ से कोई ऐसी बात करता है? कोई बात नहीं बेटे, अभी अमीर घर की रहने वाली है, गरीब माँ से अब ये कहाँ बात करेगी, मुझ बुढ़िया से और गरीब से ये कहाँ बात करने वाली। ऐसे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जमींदार आके उससे घर ले लेता है। वह बेचारी बूढ़ी चिड़िया दर दर भटकती है, उसके पास छत तो दूर की बात, खाने तक को भी कुछ नहीं था।
टूनी चिड़िया ठाट से अपने घर में मजे से रह रही होती है। उसका पति उसके पास आकर कहता है, टूनी चिड़िया एक बात बोलूं, तुम जो ये सब आराम का जीवन जी रही हो ना, सब अपनी माँ की वजह से। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कभी अपनी माँ की खैरियत ही पूछाऊं। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के पास घर तक नहीं है, वह दर दर भटक रही है। तुम्हारी शादी के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था और अब घर भी नहीं रहा। टूनी चिड़िया के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे मुझे अपनी माँ से मिलवा दो प्लीज। फिर टूनी चिड़िया पूरे जंगल में अपनी माँ को ढूंढती है और उसे अपनी माँ दिख जाती है। वह बेचारी बूढ़ी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी होती है, बिल्कुल पतली सी निढाल। माँ, मेरी माँ, तुमको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, माँ मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझ गरीब और बूढ़ी से क्यों बात कर रही हो, तुम अमीर घर की हो, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। माँ ऐसी ना कहो, माँ मुझे माफ कर दो। वहाँ पर मनु चिड़ा आ जाता है। माँ जी, ये दिल से आपसे माफी मांग रही है और इसे अब समझ भी आ गया है, आप इसे माफ कर दें। इसने कल से खाना भी नहीं खाया जब से आपको ही ढूंढने में लगी हुई है। ऐसे रानी चिड़िया को मनु चिड़ा और टूनी चिड़िया अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, पर अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमारे जीवन का आधार हैं।